बीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। प्रदेश में बड़ी खबर मुंबई से है, जहां लालबाग इलाके में एक 60 मंजिला इमारत की 19वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। आग की भीषणता को देख सिक्योरिटी गार्ड ने इमारत की 19वीं मंजिल से छलांग लगा दी। तो ड्रग्स कारोबार को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार एक्शन में है। एक ड्रग पेडलर से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने पुणे में कहा कि इनकम टैक्स ईडी सीबीआई छापे के पीछे केंद्र का कोई हाथ नहीं है। इसी बीच भाजपा नेता किरीट सोमैया ने प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरिफ से इस्तीफा मांगा है। कहा कि अपने दामाद मतिन मंगोली की कंपनी के 1500 करोड़ रुपए के ठेके को रद्द कर उन्होंने साबित कर दिया है कि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। उधर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबर है, उन्हें समय पर सुलभ तरीके से फसल कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कृषि कर्ज मित्र योजना चलाई जाएगी। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। दक्षिण मुंबई के लालबाग इलाके में एक 60 मंजिला इमारत की 19वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। यह आग अविघ्न पार्क नामक इमारत में लगी है। दमकल विभाग के मुताबिक यह आग काफी भयंकर है, जिसे लेवल 3 फायर कॉल कहा जाता है। इस आग का कॉल फायर ब्रिगेड को तकरीबन 12 बजे के आसपास आया था। आग की भीषणता इस बात से पता चलती है कि जान बचाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड ने इमारत की 19वीं मंजिल से छलांग लगा दी। फिलहाल इमारत के अंदर से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। आग बुझाने की कोशिशों में दमकल विभाग पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक 19वीं मंजिल पर लगी आग की चपेट में ऊपर के फ्लोर भी आए हैं। इस आग के हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का नाम अरुण तिवारी है। अरुण इस इमारत में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे। आग में बुरी तरह फंसने के बाद उन्होंने 19वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिन्हें मुंबई के KEM अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद से ही भारी अफरा तफरी मची है। मुंबई में ड्रग्स कारोबार को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार एक्शन में है। मुंबई में एक 24 वर्षीय ड्रग पेडलर से कल गुरुवार की देर रात तक पूछताछ की गई। क्रूज लाइनर ड्रग केस में यह पेडलर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। NCB के बयान के अनुसार ड्रग तस्कर का नाम मामले में कथित ड्रग चैट से सामने आया है। बयान में कहा गया कि नशीले पदार्थों के तस्कर को क्रूज ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए NCB कार्यालय लाया गया था। इस बीच NCB ने पिछले 2 दिनों में क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई और आसपास के इलाकों में 6 जगहों पर छापेमारी की और तलाशी ली है। जिन इलाकों में ये तलाशी ली गई, उनमें नवी मुंबई, साउथ मुंबई, नाला सोपारा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बांद्रा और जुहू शामिल है। बताया जा रहा है कि NCB को इस ठिकानों पर कई और सबूत मिले हैं। NCB की ही एक टीम ने कार्डेलिया क्रूज जहाज पर एक कथित ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया था। यह ड्रग्स पार्टी 2 अक्टूबर को गोवा जा रहे क्रूज पर बीच समुद्र में आयोजित की गई थी। मामले में अब तक आर्यन खान और 2 नाइजीरियाई नागरिकों समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर बहस भी छिड़ गई है। यह मामला सियासी हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह बयान केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने दिया है। पुणे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे बोल रहे थे। साथ ही यह भी कहा कि इनकम टैक्स ईडी सीबीआई छापे के पीछे केंद्र का कोई हाथ नहीं है। रामदास आठवले ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला करने की साजिश रची जा रही है। वहां काम करने वाले मजदूरों पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। बड़ी संख्या में काम करने के लिए लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं, उन्हें आतंकवादी जान से मार रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा प्यार करने से नहीं चलेगा। पाकिस्तान पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। मेरी राय है कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं हो। अगर यह सही है कि खेल में राजनीति को नहीं लाया जाए, लेकिन इस स्थिति में मेरी राय है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि RPI के होते भाजपा को मनसे की जरूरत नहीं है। मनसे से भाजपा को नुकसान हो सकता है। उनका परप्रांतीय का मुद्दा भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। भाजपा राज ठाकरे के चक्कर में नहीं फंसे। हमने भाजपा का साथ छोड़ा तो वह भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक और बम फोड़ा है। उनका दावा है कि प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरिफ ने अपने दामाद मतीन मंगोली की कंपनी जयस्तुते मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के TDC और आयकर रिटर्न भरने के 1500 करोड़ रुपए के ठेके को रद्द कर दिया है। अब मुशरिफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। सोमैया ने कहा कि मुशरिफ ने भ्रष्ट तरीके से अपने दामाद की कंपनी को 10 सालों के लिए ठेका दिया था।
मैंने इसके खिलाफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और जांच एजेंसियों के पास शिकायत की थी, जिसके बाद मुशरिफ को ठेका रद्द करना पड़ा है। सोमैया ने यह भी बताया कि प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल परब के रत्नागिरी के दापोली तहसील के मुरुड़ में अवैध रिसोर्ट के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नोटिस भेजा है। परब को एनजीटी के समक्ष 25 नवंबर को पेश होना है। सोमैया ने दावा किया है कि यह सिद्ध हो गया है कि परब ने अवैध निर्माण किया है, इसलिए परब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच सोमैया ने कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत महाविकास आघाड़ी पर लगे आरोपों पर से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबर है, उन्हें समय पर सुलभ तरीके से फसल कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कृषि कर्ज मित्र योजना चलाई जाएगी। यह योजना फिलहाल साल 2021-22 में लागू की जाएगी। कृषि कर्ज मित्र किसानों को कर्ज के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाने में मदद करेंगे। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार जिला परिषद द्वारा कृषि कर्ज मित्र किसानों के पास जाकर कर्ज के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाएंगे। इसके बाद किसानों की सहमति से कर्ज की मंजूरी के लिए बैंकों में आवेदन करेंगे। आवश्यकता के अनुसार योजना की अवधि बढ़ाने का अधिकार जिला परिषद के पास होगा। इस योजना को लागू करने के लिए जिला परिषद स्वनिधि मदद से साल 2021-22 के बजट के 10 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है। कृषि कर्ज मित्र बैंक और किसानों के बीच मध्यस्थ की भूमिका के बजाय सहायक व सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। किसानों को अल्पावधि के कर्ज के लिए प्रति आवेदन 150 रुपये सेवा शुल्क देना होगा। कृषि कर्ज मित्र के रूप में सेवा देने के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला परिषद की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। जिला परिषद की कृषि समिति के पास कृषि कर्ज मित्र के चयन का अंतिम अधिकार होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक मुकाम हासिल किया है। वैक्सीन के 1 अरब डोज दिए जाने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो किसान नेता राकेश टिकैत के बयान ने हैरान कर दिया है। यूपी गेट फ्लाईओवर के नीचे NH9 पर पुलिस बैरिकेड्स के सामने लगे तंबू पहले हटाए गए, बाद में टिकैत ने ऐलान किया कि किसान बॉर्डर नहीं खाली कर रहे हैं, दिवाली की सफाई कर रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत में भारी बारिश के कारण तबाही मची है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उधर जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी जारी है। कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। तो विज्ञापन का बवाल कर्नाटक में सामने आया है। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने सड़क पर पटाखा न फोड़ने की अपील वाले हालिया विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए टायर प्रमुख सीएट को पत्र लिखा है। देश के इन 5 बड़ी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता पैदा करने वाली वैक्सीन के 1 अरब डोज दिए जाने को बड़ी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इसके साथ ही पीएम ने उन लोगों पर भी तंज कसा जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली ताली बजाने की प्रधानमंत्री की अपील का मजाक उड़ाया था। पीएम ने कहा कि देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयासों की ताकत का जिक्र कर कहा कि किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया उसकी सराहना भी हो रही है। यूपी गेट फ्लाईओवर के नीचे NH9 पर पुलिस बैरिकेड्स के सामने लगे तंबू हटे तो खबर आई कि किसान नेता राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के अन्य सदस्य रास्ता खाली कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर 2020 नवंबर से धरने पर बैठे किसानों का धरना खत्म होने की अटकलें लगाई जाने लगी। तुरंत ही टिकैत ने ज्यादातर सोशल मीडिया पर इस बात को खारिज कर दिया कि किसान धरना स्थल खाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाजीपुर सीमा पर आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। BKU के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि आंदोलन को वापस लेने का कोई फैसला नहीं हुआ है। पहले दावा किया गया था कि किसान टेंट हटाकर यातायात को गुजरने देंगे। दिन की शुरुआत में टिकैत की टिप्पणियों ने इसे हवा दी। राकेश टिकैत का बयान आया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हमने सड़क जाम नहीं किया है, हम अपने तंबू हटा रहे हैं और दिल्ली पुलिस को उनके बैरिकेड्स भी हटाने चाहिए।
और लोगों को यहां से जाने देना चाहिए। बाद में बीकेयू नेता ने दावा किया कि दिवाली नजदीक है, किसान केवल अपने तंबू साफ कर रहे थे और पर्दे बदल रहे थे। किसानों की तरफ से की जा रही सफाई का वीडियो दिखाकर अफवाह उड़ाई जा रही है कि किसान बॉर्डर छोड़ रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत में भारी बारिश के कारण आई जबरदस्त बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर सरकार का क्या मतलब है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि तराई का अधिकतर इलाका बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया है ताकि इस विभीषिका के खत्म होने तक कोई भी परिवार भूखा न रहे। ये दुखद है कि जब आम आदमी पार्टी को प्रशासनिक तंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। जब सब कुछ अपने आप ही करना है तो फिर सरकार का क्या मतलब है। बरेली और पीलीभीत जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। भारी बारिश के कारण शारदा और देवहा नदियां उफान पर है और उनके किनारे बसे कई गांवों में पानी भर गया है। लगभग 500 ग्रामीण शारदा नदी के पानी में घिरे हुए हैं। अभी मात्र 26 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उन किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है जिनकी फसल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार छापेमार कर रही है। श्रीनगर में 4 जगह, बारामूला में 2, पुलवामा में 1, अवंतीपोरा में 2, सोपोर में 1 और कुलगाम में 1 जगह आज कार्रवाई हुई। बुधवार को भी आतंकी साजिश रचने के मामलों में कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो आतंकी समर्थक थे। इनके पूछताछ के बाद NIA को कई सुराग मिले हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकी मददगारों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आतंकी संगठनों द्वारा जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत देश के अन्य प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। NIA ने 10 अक्टूबर को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में बुधवार को ही 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब तक की पूछताछ के दौरान लश्करे तैयबा और TRAF की नई साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। NIA के मुताबिक अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर ये लोग बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। इनका मकसद स्थानीय लोगों में भय फैलाना था। छापेमारी के दौरान अनेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेन ड्राइव आदि बरामद हुए। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने सड़क पर पटाखा न फोड़ने की अपील वाले हालिया विज्ञान पर आपत्ति जताते हुए टायर प्रमुख सीएट को पत्र लिखा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में सीएट हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेगा और उन्हें आहत नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह के विज्ञापन हिंदुओं में अशांति पैदा कर रहे हैं। कंपनी के प्रबंध निदेशक और CEO अनंत वर्धन गोयनका को 14 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में अनंत कुमार ने उस विज्ञापन पर आपत्ति जताई जिसमें बॉलीवुड स्टार आमिर खान लोगों को सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को नमाज के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध करने और अजान के दौरान मस्जिदों से होने वाली ध्वनि प्रदूषण की समस्या का भी समाधान करना चाहिए। हेगड़े ने कहा कि मुसलमानों से भी कहिए कि वे शुक्रवार और अन्य महत्वपूर्ण उत्सव के दिनों में नमाज के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध न करें। कई भारतीय शहरों में ये एक बहुत ही आम दृश्य है जहां मुसलमान व्यस्त सड़कों को अवरुद्ध करते हैं और नमाज अदा करते हैं और उस समय वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशामक यातायात जाम में फंस जाते हैं जिससे गंभीर नुकसान होता है। हमारे देश में हर दिन अजान देते समय मस्जिदों के ऊपर लगे माइक से तेज आवाज निकलती है। शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज लंबी होती है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी असुविधा है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जो आराम कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी जारी है। अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर दोनों देशों में होड़ लगी है। तो चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर भारत इंजीनियरिंग का एक अद्भुत और शानदार नमूना तैयार कर रहा है। इस बीच वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTAF ने न केवल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है बल्कि उसके गुरु तुर्की को भी आतंकियों को पालने के आरोप में ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। उधर बांग्लादेश पर बड़ा तोहमत लग रहा है कि वह इस्लामिक राष्ट्र बन गया है, हालांकि वहां की सरकारें धर्मनिरपेक्षता की बात करती रहती है। इस बीच तबीयत खराब होने के कारण क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें एक रात अस्पताल में ही गुजारनी पड़ी। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अमेरिका ने चीन और रूस को करारा जवाब देते हुए आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है।
अमेरिकी नौसेना ने बताया कि इस नई मिसाइल का परीक्षण नासा के वर्जीनिया स्थित वल्लोप्स केंद्र में किया गया है। यह टेस्ट बताता है कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक तकनीक क्षमता और प्रोटोटाइप सिस्टम बनाने में हम सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल अन्य मिसाइलों की तरह से होती है, लेकिन वे ध्वनि की 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। यही नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हवा में ही तेजी से अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। वायुमंडल में ये मिसाइलें बहुत नीचे से उड़ान भरती है, जिससे उन्हें डिटेक्ट करना आसान नहीं होता है। इस बीच अमेरिका ने चीन के परमाणु क्षमता से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल के अंतरिक्ष से परीक्षण पर गहरी चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा कि चीन हाइपरसोनिक मोर्चे पर जो कर रहा है, उससे हम बहुत चिंतित है। इस बीच चीन का दावा है कि यह परीक्षण सामान्य श्रेणी का था और यह एक विमान था, न कि कोई मिसाइल। बताया जा रहा है कि चीन ने यह नया मिसाइल परीक्षण 13 अगस्त को किया था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे परीक्षण में भी चीन ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल किया। इसे चीन ने लॉन्ग मार्च रॉकेट से जुलाई में अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल ने धरती का चक्कर लगाया और फिर तयशुदा स्थान पर ध्वनि की गुना ज्यादा रफ्तार से हमला किया। चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत और शानदार नमूना तैयार हो रहा है। तवांग को जोड़ने वाली BCT रोड पर सभी मौसम के हिसाब से उपयुक्त सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 700 करोड़ की लागत से तैयार हो रही इस सुरंग के समय से पहले ही पूरा होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर परीक्षित मेहरा के अनुसार 13,500 फीट की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग होगी। ठंड के समय में भी भारी बारिश होने पर नूरानांग इलाके में सैन्य बल की आवाजाही में समस्या होती थी, जहां पर सुरंग का निर्माण हो रहा है। 317 किलोमीटर लंबी BCT रोड पर सेला सुरंग के निर्माण के लिए अगले साल अगस्त 2022 तक की डेडलाइन दी गई है, लेकिन इसके जून तक ही पूरा हो जाने की उम्मीद है। तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच 1.55 किलोमीटर और 980 मीटर की 2 सुरंग बनने से दूरी और समय में बचत होगी। दोनों सुरंग 1.2 किलोमीटर की सड़क से जुड़े रहेंगे। लद्दाख में चीनी सेना की तरफ से अतिक्रमण को देखते हुए इस सुरंग की महत्वता और भी बढ़ जाती है। वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को पाल रहे पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया है। FATF ने न केवल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, बल्कि उसके गुरु तुर्की को भी आतंकियों को पालने के आरोप में ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इससे पहले पाकिस्तान बार बार तुर्की की मदद से ब्लैकलिस्ट होने से बच रहा था, और अब खुद तुर्की ही FATF के लपेटे में आ गया है। पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ इस एक्शन से भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जो आतंकी हमलों से जूझ रहा है। FATF ने पाकिस्तान के इस आरोप का भी खंडन किया है कि उसने भारत के दबाव में आकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF के इस बयान के बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तानी दावे की हवा निकल गई। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तब तक इस सूची में शामिल रहेगा जब तक कि वह साबित नहीं कर देता कि जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बांग्लादेश में हाल में हुए हमले को देखते हुए अब यह साफ होता जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित हुआ बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया। हालांकि वहां की सरकारें धर्मनिरपेक्षता की बात करती रहती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि धर्मनिरपेक्षता अब न तो बांग्लादेश के संविधान में बची है और न ही वहां के बहुसंख्यक समुदाय के व्यवहार में दिखाई देती है। अब वहां सब कुछ उस इस्लामिक कट्टरपंथ जैसा रूप लेता जा रहा है, जिसमें इस्लाम के अतिरिक्त और किसी भी मजहब या विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। यह कट्टरपंथ अब इतना विकराल रूप ले चुका है कि बीते कुछ वर्षों के दौरान बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लेखकों और ब्लॉगरों की हत्या भी की गई। ऐसे लेखकों और ब्लॉगरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बजाय बांग्लादेश की पुलिस द्वारा उन्हें सीमा में रहने की नसीहत दी गई। बांग्लादेश की पुलिस का यह चरित्र आज भी है। बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर किए जाने वाले हमले से संबंधित मामलों में बांग्लादेश की पुलिस दिखावे की कार्रवाई करते हुए लीपापोती करने में लग जाती है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की बीती रात तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में क्वीन एलिजाबेथ के कुछ टेस्ट किए गए और उन्हें एक रात अस्पताल में ही गुजारनी पड़ी। तबीयत खराब होने की वजह से क्वीन एलिजाबेथ को अपना उत्तरी आयरलैंड का दौरा रद्द करना पड़ा, जो इसी हफ्ते प्रस्तावित था। मेडिकल सुझाव के बाद क्वीन एलिजाबेथ कुछ दिन आराम करेगी। बकिंगम पैलेस की ओर से कहा गया है कि क्वीन एलिजाबेथ को अस्पताल में प्राथमिक जांच के लिए भर्ती कराया गया था। ब्रिटेन की स्थानीय मीडिया ने कहा कि क्वीन एलिजाबेथ का पहले से अस्पताल जाने का कोई प्लान नहीं था।
बता दें कि 1952 के बाद से लगातार अभी तक पैलेस की क्वीन के तौर पर एलिजाबेथ अपनी सेवा दे रही है। यह अभी तक का किसी भी क्वीन का सबसे लंबा कार्यकाल है। युवा आयु से लेकर अब इस उम्र तक क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के शाही परिवार की अगुवाई की है। अब करीब 7 दशक हो गए हैं जब क्वीन एलिजाबेथ शाही परिवार की रियायत को संभाल रही है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।